मित्रों, ज्ञान दर्शन वन औषध में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक दिव्य पौधे के बारे में जानकारी देंगे। वह पौधा है नागफनी का। मित्रों, जानने से पहले आप हमारे चैनल ज्ञान दर्शन वन औषध को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही औषधीय यानी जानकारी आप लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम आपको जो यह पौधा दिखा रहे हैं, जो नागफनी प्रजाति का पौधा है, नागफनी प्रजाति का यह पौधा बहुत सारी बीमारियों के काम आता है। नागफनी कैकेशिया परिवार का एक पौधा है जो झाड़ी नुमा होता है। इसे अंग्रेजी में कैक्टस नाम से जाना जाता है। यह ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पानी की मात्रा कम होती है। यह भारत के मरुस्थलीय स्थानों में पाया जाता है, लेकिन हम लोग इसे सुंदरता के लिए भी लगाते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो बहुत फायदेमंद होता है। इसके अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके सेवन से वजन घटाने में मदद मिलती है। कैंसर से बचाव में नागफनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं जो कैंसर की सेल्स बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून पावर को बढ़ाने में और संक्रमण को रोकने में मदद करती है। यह अनेक बीमारियों में सहायक होता है। मित्रों, इसके सेवन से डायबिटीज़ में लाभकारी है। मित्रों, इसके कांटे निकालकर इसके छिलके को हटा दें और बीच वाला गुदा इसको प्रयोग किया जाता है और खाया जाता है। मित्रों, अनिद्रा को दूर करता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। नागफनी का गुदा बहुत ही फायदेमंद है। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, एनीमिया में लाभकारी है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, उपापचय प्रक्रिया में फायदेमंद है, पीलिया से राहत दिलाता है, त्वचा के लिए लाभकारी है। नागफनी के कांटे हटाकर गुदा छीलकर खाना चाहिए। सूप सलाद में प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा संबंधी बीमारियों में इसका रस लगाने से त्वचा के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मित्रों, इसका उपयोग किसी अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में करें। मित्रों, यह नागफनी हमारे यहाँ हर जगह ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। इसको हमारे यहाँ खेतों की बाड़ में प्रयोग किया जाता है। खेतों के आसपास यह लगाई जाती है। यह बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभकारी गुणों से भरपूर है। मित्रों, इस नागफनी कैकेशिया परिवार के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी है। समय समय पर जो भी औषधीय जानकारी हमें प्राप्त होती रहेंगी, हम अपने ज्ञान दर्शन वन औषध चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज हमने आपको इस दिव्य औषधीय पौधे के बारे में जानकारी दी है। समय समय पर नेक्स्ट जानकारियां देता रहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।